इसको बनाना सिखाती हूँ केक। तो मैंने गैस को ऑन करके एक मोटा भगोना लिया है, उसमें नमक डाल के और उसको 10 मिनट के लिए गैस पे चढ़ा दिया है, जिससे नमक अच्छे से गर्म हो जाए और हमारा केक अच्छे से बेक हो सके। तो केक की सामग्री भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो इस कटोरी से 2 कटोरी मैदा मैंने ली है, फिर 1/2 कटोरी तेल जो रिफाइंड रहता है वो तेल लिया है, शक्कर पीसी हुई, शक्कर को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और वो ये शक्कर है, शक्कर 1 कटोरी है, जो 1 कटोरी से थोड़ा कम है। ये वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी लेना है, जो खाने वाला सोडा रहता है उसको, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और मिल्क पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है। और अब इस छन्नी से मैदा को छान लेंगे। ये 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी और मैदा, अब इसको इसे छान लेंगे, जिससे इसका जो लम्स रहते हैं वो निकल जाए। ये चाय की छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा। अब इसमें 1 चम्मच, 2, 3 और ये 4 चम्मच मिल्क पाउडर, जो सूखा मिल्क पाउडर आता है वो डाला है, वो सबको अच्छे से छान लिया है। अब ये तेल और शक्कर को साथ में मिला देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से आराम से इसको मिला लेंगे। और अब इसमें आप चाहे तो दूध डाल सकते हैं या पानी, अब इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा, पानी अभी थोड़ा डालेंगे और जब केक को घोलेंगे तो बैटर को देखते ही उसमें पानी डालते हैं, पतला करते गाढ़ा जैसा भी बनाते तो फिर पता चल जाएगा। ये हमारी शक्कर तेल आपस में अच्छे से मिल गया है। अब इसमें मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, हल्के से इसको इस तरीके से एक तरफ से मिलाएंगे। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है, तो अभी ये मिलाते जाएंगे जब तक ये इसका सब लम्स निकल ना जाए। अभी ये हमारा बैटर गाढ़ा है तो इसमें भी थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा और पानी इसमें डाल देती हूँ। आप
एक तरफ से ऐसे हल्के हल्के से धीरे से मिलाते जाएं, जिसके जो लम्स हैं वो निकल जाएंगे। इसको ऐसे धीरे धीरे मिलाते जाएंगे एक तरफ से। और थोड़ा सा पानी और डालें जिससे बैटर थोड़ा पतला हो जाए। अब इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे। ये वेनिला एसेंस है, इससे केक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। हमको इतना गाढ़ा केक का बैटर चाहिए, इतना गाढ़ा, देखिए इतना इतना गाढ़ा होना चाहिए। अभी मैंने ये टिफिन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा के इसको ग्रीस कर देती हूँ। और थोड़ा ये मैदा ऐसे लेंगे, इसको ऐसे ऐसे डस्ट करके जो भी एक्स्ट्रा है ना उसको गिरा देंगे। अब केक का बैटर अब ये टिफिन में ऐसे करके थोड़ा इसको एकदम एक सा कर देंगे। और अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे, कटे हुए ड्राई फ्रूट। भगवान के अंदर इसको रख देंगे। भगवान का नमक अच्छे से गर्म हो चुका है और इसको अब ढक देते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुका है तो हमारा केक थोड़ा फूल गया है। और अब हम इसको फिर से ढकते हैं और फिर बीच में देखते रहेंगे अपने केक को कि हमारा केक कैसे पक रहा है। हमारा केक अभी पक चुका है और अब हम इसको चाकू से चेक कर लेते हैं। ये देखिए केक पक चुका है और जब ठंडा हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। अभी बहुत गर्म है तो इसको अभी इसी में रहने देते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा केक कैसे बना हुआ। ठंडा हो गया था तो मैंने बर्तन से इसको निकाल दिया और ये आसानी से केक हमारा निकल गया। ये देखिए केक कितना स्पंजी बना हुआ, ये देखिए। और मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। हमारा केक कितना फूला हुआ और अच्छा बना है। और ये घर का बना हुआ और ये मैंने सिल्वर के भगोने में बनाया हुआ एकदम आसान तरीके से और ये आधे घंटे में बन जाता है। और इसमें कुछ महंगा इतना सामान भी नहीं लगा हुआ है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मैंने केक जो बनाया था ये देखिए अच्छा बना हुआ है ना। तो
आप खा के बताइए आपको केक कैसे लगा और इतने आसान तरीके से बना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।